पेट्रोल दे पेट्रोल दे पेट्रोल दे डालो जल्दी 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 हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं वंडरर तुषार व्लॉग्स। तो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं जॉर्ज एवरेस्ट कैंप करने के लिए और आज देखते हैं क्या होता है और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कैसा माहौल होता है और क्या क्या चीज़ होती है। आज मेरे लिए ये नई चीज़ है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम किसी, बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग आने वाले हैं तो उनसे मिलेंगे, तो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है। अभी मैं खड़ा हूँ गाइस हाथी पाँव वाली रोड में। हाथी पाँव मसूरी से 5 किलोमीटर पहले ही कट जाती है। तो आपको ये सामने दिख रहा होगा, ये मसूरी के मेन मसूरी है। तो हम यहाँ नीचे से इधर कट गए थे, तो वो मेन मसूरी है, ये नीचे का देहरादून है। इन सुंदर वादियों को देखते हुए हमने सोचा व्लॉग स्टार्ट करें और आपको इसे लेके चलते हैं सीधा जॉर्ज एवरेस्ट। चलो देखते हैं और रोड देखते हैं अभी कैसी है यहाँ से। अभी हमारा कम से कम 10 किलोमीटर का रास्ता है। तो चलो, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हाथी पाँव वाले रास्ते से क्यों आया, मसूरी से क्यों नहीं गया। तो गाइज़, ऐसी बात है कि आजकल मसूरी में इतनी भीड़ हो रही है, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं कि क्या बताऊँ। तो वहाँ पे बहुत भीड़ चल रही है, इसी वजह से मैं मसूरी से नहीं आया, तो यह वाला रास्ता लिया मैंने। यहाँ से खाली है तो जल्दी पंप पहुँच जाएंगे। ये अभी मैं इंजॉय कर रहा हूँ मैगी और चाय। वो एक्चुअली ऐसा हो गया था कि सुबह आज मेरी मौसी के घर में गृह प्रवेश था, तो मैं वहाँ पे चले गया था नाश्ता करके और उसके बाद से कुछ नहीं खाया है। तो अभी भूख लग रही थी तो मैंने सोचा वहाँ जाने से पहले कुछ थोड़ा सा खा लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बैंक बहुत ही खराब रोड है आई। गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी आगे, आज बहुत भीड़ है भाई हर जगह। जॉर्ज एवरेस्ट के हम नीचे आ चुके हैं, तो आपको पार्किंग इधर पे ही मिलेगी और यहाँ से अगर आपको गाड़ी ऊपर ले जानी है तो आपको 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो इतना कोई भी नहीं करता है, तो सब इधर ही खड़ी करके जा रहे हैं। बाकी अगर आपको रात को, जैसे अगर आप कैंप करते हो और स्टे करते हो इधर, तो आप अगर ऊपर ले जाओगे तो 300 आपको पे करना पड़ेगा। हमारा यहाँ से जो ट्रैक है वो कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का है, तो अभी ट्रैक करते हैं। तो काफ़ी ठीक रोड है, ऐसी नहीं है कि आपको ऑफ रोड मिलेगी, पूरी टाइल्स बिछा रही है तो पूरी ऊपर तक आपके लिए ऐसे ही रोड है। तो गाइस देखो, रोड कितनी सुंदर लग रही है ना, वाओ काफी मजा आ रहा है, पूरा हरा भरा। अभी ना सारे लोग वापस जा रहे हैं यहाँ से और हम लोग ऊपर जा रहे हैं क्योंकि हमें तो कैंप करना है। तो जैसा मैंने नीचे बताया था, अभी 1 किलोमीटर रह गया हमारा। अब बचा है हमारा 700 मीटर और सारी रोड देखो बहुत ही खाली है, कोई भी नहीं है। और ये देखो एक हिडन प्लेस मिली है गाइस, चले क्या यहाँ पे। hey!
बस पहुंचने वाले हैं गाइस, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा सा सीढ़ी का रास्ता दिखाए। ये देखो, ये लग रहा है मुझे शॉर्टकट है, बट हम रिस्क नहीं लेंगे यहाँ से जाने का, सीधे रास्ते पे ही कंटिन्यू करते हैं। वो है हमारा जॉर्ज एवरेस्ट का गेट, और ये मेरे पीछे है जॉर्ज एवरेस्ट का बेस कैंप, काफ़ी अच्छी जगह है। फाइनली पहुंच चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट पे और आ गए अपनी मंजिल पे। अभी हमारे जो बाकी साथी हैं वो उधर पे ही होंगे, तो उनसे जाके मिलते हैं, और तब तक आप यहाँ का सीन देखो थोड़ा सा। ये सामने का सीन कितना प्यारा लग रहा है ना, और देखो हमारा ये जॉर्ज एवरेस्ट काफ़ी बदल चुका है। पहले तो इधर पे कुछ हुआ करता था, कुछ नहीं हुआ करता था, और अभी यहाँ पे ग्राउंड बना दिया गया है, बट इसके अंदर जाने नहीं देते। और यहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल है, मोबाइल टॉयलेट अवेलेबल है। हाँ, वही तो व्यू पॉइंट है। हाँ तो गाइस, ऊपर वो छोटा सा अगर आपको दिखेगा ना, तो वो व्यू पॉइंट है यहाँ का, जो भी नया नया बनाया इन्होंने। बाकी इधर कुछ इंस्ट्रक्शन है बताया गया है यहाँ के बारे में, और प्लीज़ वॉक वेरी केयरफुली, तो आप ये सब पढ़ लो और हम चलते हैं यहाँ से आगे। हम अब जा रहे हैं अपने फ्रेंड लोगों के पास, बट अभी वो दिखे नहीं है, फ़ोन भी नहीं लग रहा है, तो अभी ऊपर जाके ढूंढते हैं। और मौसम बहुत मस्त हो गया है गाइस, इधर सनसेट जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो गाइस अभी हम जा रहे थे थोड़ा गलत, वो तो अच्छा हो गया कि सचिन भाई से मैंने पूछ लिया, तो सचिन भाई की इधर दुकान है, और पिछली बार एक बार हमने कैंप किया था तो इन्हीं के पास किया था, तो मैंने इनसे पूछ लिया और इन्होंने बता दिया कि जो हमारे फ्रेंड लोग हैं उनका कैंप पार लगा है, तो उधर लेके चलते हैं आपको। तो यहाँ भी एक मोबाइल टॉयलेट है इस तरफ, तो हमारा जो जॉर्ज एवरेस्ट या पीक है वो उस तरफ है। तो गाइस वहाँ तो अब सुबह ही जाएंगे, क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है, पहले हम कैंप में पहुँचते हैं, देखते हैं वहाँ का क्या हाल है। बट यहाँ पर जो मौसम हो रहा है ना, आए हाय। सनसेट के बाद हमने सोचा आपको ये भी दिखा देते हैं, ये छोटा सा म्यूज़ियम है, और ये कुछ बना हुआ है बट ये पता नहीं क्या है, यहाँ पे जाने भी नहीं दिया जाता है, गेस्ट रूम है कि क्या है। बाकी यहाँ से बहुत सुंदर लग रहा है हमारा जॉर्ज एवरेस्ट, और सुबह वहाँ पे पीक में जाएंगे, पहले आपको ये दिखाते हैं। इसके बाहर का सीन बहुत बढ़िया है, आप देखो क्या ही मस्त मौसम, और वो नीचे हमारा देहरादून आए। हमारे यहाँ से कैंप भी दिख रहे हैं, लोकेशन देखो क्या बढ़िया है। मैं आपको बताऊं यार, इनका पिछली बार हमने नाम गलत बोल दिया था, नीरज बोल दिया था, तो धीरज है इनका नाम गाइस, इस बार मैंने सही बोल दिया, ठीक है सही बोला इस बार। चलो इस बार लेट क्यों है? अरे रिश्तेदार के घर में रोक दिया था। हवा
हवा इधर पे बहुत ज़्यादा तेज चल रही है और शायद आपको मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं आएगी, बट कोई नहीं, एडजस्ट करना। तब तक अभी यहाँ पे सेटअप हो रहा है तो इसको सेटअप को पूरा कर लेते हैं। आधा तो लगा चुके हैं ये लोग, अभी थोड़ा सा तेज़ हवा चल रही है तो हम थोड़ा और ज़्यादा उसको अच्छे से मजबूत कर रहे ऐसा। भी आपने देखा बाहर ना बहुत तेज हवा चल रही है, तो जिसके कारण जो हमारा बॉन फायर का सीन था वो हमें कैंसिल होता हुआ लग रहा है अभी, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि हवा रुकेगी। बहुत ही तेज चल रही है हवा और ठंडी हवा चल रही है, ठंडा भी बहुत हो रहा है। हम सोच रहे थे कि इतना ठंडा नहीं होगा लेकिन ठंड है इधर तो। और ये टैंक का जो अभी कवर है ना, ये बार बार इसके आ गया रहा। तो फैमिली वगैरह जो भी मेम्बर्स हैं इधर वो सब भी अपने टेंट के अंदर ही हैं, तो ठंडी हवा चल रही है इसलिए कोई बाहर नहीं रहता। तो अभी देखते हैं हमारा बॉनफायर का क्या सीन है, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस हमें ना अभी ना प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे आग वाग जलाने में, क्योंकि हवा आप देख रहे हैं बहुत तेज चल रही है, बट मज़ा भी आ रहा है। बट ये चीज़ देख के थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा है। बोलिए ब्रो। हाँ तो लगा आग। दूसरा लाइटर ले आओ ना प्लीज यार। कहाँ से लाऊं लाइटर यार। अरे जलाओ तो जलाओ है। उसकी वैसी वो है वो। तो गाइस आपको ये नीचे दिख रहा है, ये हमारा देहरादून है। कितना ही मस्त लग रहा है, एक अलग ही व्यू दिख रहा है यहाँ से। तो हमारा लाइटर काम नहीं कर रहा है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो डैनी भाई? यार दिमाग खराब। बांग। तो मैं भाई हूँ आप लोग के चले ना। बांग कसम। आराम से आराम से। तो ऑटो ऑटो पीछे से हट जाओ, पूछ लेंगे वो। खतरनाक। तो गाइस मेरे को कमेंट करके बताना कि कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हो ऐसे टाइम पे, कैम वगैरह के टाइम पे। कमेंट करके बताना। बाकी अभी हम कंटिन्यू करते हैं, आग चला दो। माचिस लेके आए हैं तो कुछ उम्मीद जगी है हमारी। योग ट्रैक्स के फाउंडर चल गए। उनको पूरा अपनी वो देने की कोशिश करी लेकिन उसी के साथ साथ ये चल गए। हवा भी तो इतनी खतरनाक चल रही है। अबे बे एस्पिरेटर चल गया। पेट्रोल दे डालो जल्दी। बहुत बढ़िया। तो हमारी आग चल चुकी है गाइस। चल गई भाई। हमारे डैनी जी कैसा फील हो रहा है वाक चलने के बाद? क्या फील हो रहा है? बुला लो। बहुत भयंकर हो रहा है, पर क्या बताएं। तो
मन में थोड़ी थोड़ी खुशी आई है आग जलने के बाद, वहाँ से बाहर निकल चुके हैं। तो यहाँ देखिए भाई जी, तो भाई जी ने फुल मजे ले रहे हैं। कैसा लगा आपको इधर आके? अच्छा लगा। मजा आ रहा है इस हवा में? मजा आ रहा है? अभी तो और रहेगा रात भर। वो तो है ही यार, पर मत करो अभी। हाँ यार, बेकार है, उड़े रहा है फिर फालतू में और प्रॉब्लम होगी पूरा टेंट लगाने में। तो गाइस जैसे कि अभी हम खाना लेने जा रहे हैं और बाकी हमारे फ्रेंड लोग उधर टेंट लगा रहे हैं, तो एक टेंट बिगड़ चुका है और हम खाना लेने सीधा नीचे जा रहे हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क करी है, तो वहीं पे हमने सब ऑर्डर कर रखा है, तो वहीं से लेके आते हैं। तो गाइस जो मैं आपको उस टाइम कैफे दिखाया था आते हुए, तो ये देखिए अभी यहाँ की लाइटिंग वगैरह जल चुकी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अंदर का व्यू देखो, बहुत ही शानदार एवरेस्ट बेस कैंप। आंटी जी को ही हमने बोला हुआ था हम सबका खाना के लिए, तो आंटी जी खाना हो गया? बस बनी थोड़ी देर। दाल को भी संभालना पड़ेगा फिर, दाल दुगुन दुगुन करके सब्जी फिर भी संभल जाएगी। तो अभी हम ये गत्ता ले जा रहे हैं, आंटी ने हमें गत्ता दिया है क्योंकि गाड़ी में हम सारा सामान रखने वाले हैं, कढ़ाई वगैरह। तो फर्स्ट क्लास वो दिया, आइडिया दिया हमें, गाड़ी गंदी ना हो और क्या, तो इस गाड़ी काली ना हो। हाँ, गाड़ी काली ना हो, जो कवर वगैरह है वो गंदे ना हो, हमारी जो कढ़ाई हम लेके जाएंगे। आंटी जी खुद इतनी बड़ी गाड़ी है, पहले आंटी जी कहाँ से लाए थे माल? अरे वो हमने वीडियो ला रहे, वीडियो अपनी। अच्छा। आंटी आपकी फोटो भी ले ली हमने, हम डाल दी नेट इंटरनेट में। आंटी बहुत स्वीट है। आंटी आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो सरोज चौहान। सरोज चौहान, तो कभी भी आप अगर जॉर्ज एवरेस्ट आओगे तो आंटी के पास जरूर आना। आंटी बहुत स्वीट है, और आंटी की दुकान ये है सामने, आपको पार्किंग के यहीं पे मिलेगी। बाय बाय आंटी जी, बाय बाय, गुड नाइट। तो गाइस फाइनली खाना पैक करा के हम लेके आ चुके हैं, ये देखो हमारा पीछे यहाँ पे सामान भी है और यहाँ पे हमने रोटी वगैरह रख रही की है, बाकी मेरे इधर रखा है तो अभी मैं दिखा नहीं सकता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट हो गए बैठ रहे के। तो अब हम फटाफट से जाते हैं, सबको भूख लगी होगी तो खाना खा लेते हैं फटाफट। तो पहले भी हमने देखा नहीं होगा वहाँ का मौसम कैसा है। मौसम ठीक होगा यार, नहीं होगा वहाँ पे, लखेड़ा भाई ने सब ठीक कर दिया होगा। हाँ ये भी है, वो लखेड़ा है, लखेड़ा भाई ने सब ठीक कर दिया होगा, तो बहुत बढ़िया आदमी है। जिस हिसाब से हवा है ना उस हिसाब से तो कुछ कह सकते हैं। अरे हमें यहाँ पे फील हो रहा है ना, हम अभी अंदर है नीचे टाउन में, पता नहीं चल रहा होगा, बट क्या ऊपर ना बहुत हवा चल रही है। चलो देखते हैं ऊपर का सीन कैसा है और खाने में मिलते हैं आप लोगों को। स्पीकर का है, स्पीकर लगा लीजिए। स्पीकर भाई जी अपना नाम तो बता दो। सर का
नाम? मेरा नाम हर्षवी नोटियाल है। ओके सर, आप कहाँ से? अच्छा, बढ़िया मजा आ गया। मजा आ गया और बस थोड़े से हवा थोड़ा कम हो जाती और मजा आता। हाँ, आग बढ़िया जल जाती है। तो गाइस बात कुछ ऐसी हो चुकी है कि इस मौसम की वजह से, वैसे तो बहुत शानदार मौसम हो रहा है बट अभी जिस हिसाब से हमारे पास क्लाइंट्स हैं तो उस हिसाब से आगे बोलो यार, मेरे से बोलना नहीं चाह रहा खाने में खुद का। ये हमारे ऑर्गेनाइजर है आंटी, बहुत प्यारी थी यार आंटी ने, मस्त बना रहे। तो आप हमें मोटिवेशन ये खाना खा के ही आएगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके बाद। तो गाइस खाना खाते हैं, ठीक है। तो अभी अंधेरा भी हो रहा है और ऐसी हवा चल रही है तो कैमरे को बंद करते हैं और खाने में कंसंट्रेट करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अभी सब लोग अपने कैंप के अंदर चले गए हैं, हवा रुकनी अभी तक बंद नहीं हुई है। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं कैंप के लिए जाता हूँ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, बट कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम हमारा बढ़िया हो गया। अभी रात ही हुई है, सुबह होनी बाकी है, अभी सब सो चुके हैं अपने कैंप में। हम भी सोते हैं, सब आ गए। तो गाइस ये हमारा टेंट है, हम चलते हैं तो कल मिलते हैं आप लोगों से और मिलते हैं आपको, देखते हैं अगर सनराइज के टाइम पे अगर तो
गाइस, तो सो चुके हैं गाइस और रात भर हम बहुत ही मुश्किलों में सोए हैं क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा था और हवा चल रही थी तो नींद बहुत कम आ रही थी, बार बार नींद खुल रही थी। चलो जैसे तैसे सुबह हो गई है और हल्की नींद हमने ली है रात, ऐसा नहीं है कि हम सोए ही नहीं है। चलो अब देखते हैं। गुड मॉर्निंग शेरू। तो हमारा शेरू हमें उठाने आ चुका है। गुड मॉर्निंग। जो रात को नीचे का सीन दिख रहा था अभी कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ का सीन कुछ ऐसा है। अभी हम यहाँ पे खड़े होके ब्रश कर रहे थे गाइस, बहुत ही ऑसम फील आ रहा था। सुबह सुबह की चाय। कैसा रहा आप सभी का एक्सपीरियंस रात को? बहुत बढ़िया, बढ़िया बहुत। कितने बजे आई नींद? यहाँ पे भी तो बैठे थे कोई? आप लोग बैठे थे ना? सर आपका एक्सपीरियंस? रात को मजा है ही नहीं हवा में। और आपका कैसा रहा हमारे ऑर्गेनाइजर? फिर तो बहुत भयंकर था ब्रो। तो हमारे लिए हमारे डैनी भाई ने नाश्ता तैयार किया है। चलो दिखाओ, बाहर लाके दिखाओ। ये है हमारा आज का नाश्ता। क्या है ये? सैंडविच है। और क्या होगा? अच्छा, इसमें क्या क्या डाला है आपने? उसमें कुछ डाला है मैंने, प्याज टमाटर बस, खीरा और चाट मसाला और मैगी मसाला, इतना सब कुछ तुमने डाल दिया। कुछ नहीं डाला। अभी हमारा थोड़ा सब उठने के बाद, हम सब फ्रेश वगैरह होके चाय पीने के बाद हम यहाँ पे इस लोकेशन में आए थे और यहाँ पे हम थोड़ा फोटोग्राफी कर रहे थे, तो सबकी हमने फ़ोटोज़ खींच लिए, ग्रुप फ़ोटो ले लिए, तो जब अपलोड होगी तो अच्छा लगेगा और काफ़ी ये यादें हैं जो अच्छी लगेगी। नाश्ता करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना जो ये जॉर्जो की अपोजिट साइड है तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा एरिया है और शायद यहाँ पे कोई दिखाता ही है, तो यहाँ तक मैंने कभी देखा नहीं है वीडियोस में। तो जब मैं अभी कल यहाँ पे आया था तो मैंने शाम के वक्त देखा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है और मतलब छोटा सा पहाड़ है, तो काफ़ी इधर भी लोग घूमने आते हैं और सही है यहाँ बैठने का। हम अपोजिट साइड आ चुके थे और यहाँ पे एक आपको ग्राउंड टाइप मिलेगा थोड़ा ऊंचा पहाड़ में और वहाँ तक आपको एरिया दिख रहा है, थोड़ा ये शायद कहीं जाने का रास्ता है। और यहाँ पे घर है, तो ये इधर के लोगों के घर होंगे जिनकी दुकान है, तो काफ़ी ठीक एरिया है, इधर यहाँ पे बैठते हो सब लोग उधर ही जाते हैं, तो इधर आके भी काफ़ी बढ़िया एरिया है, बट अभी गर्मी हो रही है तो अभी कुछ कह नहीं सकते। इतना गर्म लग नहीं रहा है रात भर से, जैसे आप लोगों ने देखा हवा बहुत चलती है। तो गाइस अभी फटाफट से चलते हैं नाश्ता करने, उसके बाद फिर ऊपर चलते हैं ट्रैक पे, फिर देखते हैं कैसा मजा आता है सबके साथ। तो गाइस अपने अपनी जो छोटा सा ये ट्रैक है जॉर्ज का ये शुरू कर दिया है और ये कम से कम 2 किलोमीटर का ट्रैक है। नहीं,
900 मीटर सॉरी। तो ये 900 मीटर का ट्रैक है, बट 900 मीटर का ये एग्जॉस्ट ट्रैक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जॉस्टिंग ट्रैक। क्या लिखा हुआ है? एग्जॉस्टिंग ट्रैक 900 मीटर्स ऑफ अ एग्जॉस्टिंग ट्रैक, यानी कि काफी स्टीप है ये। और 900 मीटर यानी कि पूरा 1 किलोमीटर भी नहीं है, बट इट इज रियली स्टीप एंड एग्जॉस्टिंग। बट अगर आप चलने वाले हो तो लाइक नॉन स्टॉप आप एक ही बार में ऊपर पहुंच सकते हो, और ऊपर पहुंच के बहुत अच्छा व्यू है। सो एंजॉय गाइस। आपको जॉर्ज ट्रैक के बीच में एक ही जगह मिलेगी पेड़ वाली, तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा सीन है। तो जो हमारे टीममेट्स हैं अभी सारे आगे चले गए हैं, अभी सब रुकेंगे धीरे धीरे, बाकी कुछ ऊपर पहुँच गए। चलो चलो चलो, जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राम। आराम चल, एक कुछ मिल जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, कैसा लगा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा ट्रैक में? बहुत। चलो डनी भाई, बाल बनाने की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि मतलब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? चल रहा था, बहुत भयंकर है, मतलब करते बहुत भयंकर है। अरे डनी भाई, वो छोड़ा रहा है, बताओ ट्रैक में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्रैक में मजा तो आ ही रहा है। हाँ, तो डनी भाई को क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं? फिलहाल डनी भाई फौजी आदमी है, कल रात हर कोई या तो कार में सोया या स्लीपिंग बैग वगैरह टेंट सब कुछ था। एक हमारे इकलौते डनी भाई है जो कि अपना स्लीपिंग बैग भी लाए थे, अपना टेंट भी लाए थे, अपनी कार भी लाए थे, पर फिर भी ये सोए ओपन में बिना स्लीपिंग बैग और बिना टेंट के। ये किसके उससे हुआ? किसके बदलत हुए? पर हमारे डनी भाई अल्टीमेट आदमी है, मैं रात भर सोचता रहा कि यार डनी भाई ना अल्टीमेट आदमी है, अपना टेंट भी लाए थे, स्लीपिंग बैग भी लाए थे, कार भी लाए थे, लेकिन सोए ओपन ऊपर ही, सोए ओपन में बिना टेंट के, बिना स्लीपिंग बैग के सोने का अलग ही फील होता है। मानना पड़ेगा भाई, मानना। थोड़ा सा आगे आने के बाद जो आपको मैंने बताया था कि नया व्यू पॉइंट बनाया था जॉर्जो में, तो यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको कैंप की फैसिलिटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, तो और मज़े से आप आके यहाँ पे बैठ सकते हैं। व्यू देखिए क्या बढ़िया है, और यहाँ से आगे जाके हम आगे जाने वाले, बट रास्ता पीछे से भी था, बट हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत लोग हैं, तो हम सब आराम से यहीं से ट्रैकिंग करते हुए चलते हैं। हमने थोड़ा सा हल्का सा शॉर्टकट लिया था, हम अभी पहुंच गए हैं जॉर्जो की पीक पे, तो ये लाप की लास्ट पीक है। तो झंडे तो यहाँ पे ऐसे एक ही झंडा लगा हुआ है, पहले यहाँ पे काफ़ी सही सीन था, अभी इतना नहीं है, सारा तूफान की वजह से उड़ गया है। अभी हम ऊपर चढ़ते हैं। हमारी पूरी टीम, हम सब पहुंच चुके हैं जॉर्जो की पीक पे। तो कैसा लगा आप सभी को ये ट्रैक करके? बढ़िया, मज़ा आया कि नहीं आया? बट रात में तो इतना मज़ा आया नहीं होगा, रात का तो, रात में तूफान हो गया था तो उस वजह से थोड़ा सा बस सीन ख़राब हो गया, वरना रात को भी बहुत मज़े करने थे। बाकी यहाँ से व्यू तो काफ़ी अच्छा है। तो गाइस इधर पे एक पीक है और एक दूसरी चोटी उधर है, तो वहाँ पे भी कुछ लोग चढ़े हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। जितना आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आओगे उतना आपको अच्छा व्यू मिलेगा, दिन में आओगे तो व्यू भी नहीं दिखेगा एंड क्राउड बहुत ज़्यादा होगी। आजकल क्राउड बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, लाइक इस हिल पे एंड वो सामने वाले हिल पे भी लाइक बहुत सारी छिपकलियाँ रहती है, बहुत सारी छिपकलियाँ,
तो लाइक छिपकलियों का अड्डा है, छिपकलियों का ही पहाड़ है। आपको एक और पहाड़ दिखेगा उधर पे, वहाँ पे भी लोग जाते हैं। अभी तो सुबह है इसलिए इतना भीड़ नहीं हो रहा है। हम लोग पहुंच चुके थे अपने कैंप एरिया में और कैंप एरिया अभी हमारा पैक हो चुका है और बाकी जो भी हमारे साथ के मेंबर्स हैं आधे जा चुके हैं, बाकी हमारे फ्रेंड लोग और कुछ इधर ही हैं। तो अभी सब धीरे धीरे घर ही जा रहे हैं। तो हमारा जो इवेंट था वो पूरी तरह सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया, बट कहीं कहीं मज़ा भी आया हमें यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, हर बार कुछ ना कुछ लेसन मिलता ही है, तो इस बार भी एक लेसन मिल गया। बट सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि हम कुछ कर नहीं सकते थे, तो क्या ही करें। तो बाकी जो भी अभी हमारे साथ थे तो उनको भी थोड़ा सा लग रहा होगा बुरा, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। चलते हैं फिर, है ना? हाँ चलते हैं ब्रो यार, सब चले गए हैं। लेट तो इतनी नहीं हुई यार। हाँ वैसे लेट तो नहीं, बट काम भी ना बहुत। हाँ चले, काम में भी बहुत सामान पैक करना, उसको संभालना। हाँ गाइस, अभी सामान भी ऐसे वैसे हमारा पूरा इधर पड़ा है, तो इसको अभी हम पैक करेंगे, यहाँ थोड़ी सी साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद सीधा घर। और ये गाड़ी है, इसमें सिर्फ दो ही जने जाएंगे, बाकी सब पैदल। हमारी नीचे गाड़ियाँ खड़ी है तो उसमें जाएंगे। तो ठीक है गाइस, करते हैं इस व्लॉग को एंड और चलते हैं, इन सुंदर वादियों से अलविदा लेते हैं। बाय बाय, आप लोग भी अपना ख्याल रखना, और व्लॉग अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।